हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। ठंड की शुरुआत हो चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी घना पौधा हो चुका है और ये फिजूल के पौधे भी इसमें उग आए हैं, तो इसकी कटाई छटाई करनी ज़रूरी होती है और ये ठंड के मौसम में ही करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अभी पतझड़ का मौसम है और जो है पतझड़ के मौसम में हम लोग विशेष तरह से ये करते हैं कि पत्ते जो झड़ने वाले होते हैं उसकी एनर्जी जो भी होती है वो पत्ते में फिजूल ना जाकर वो एनर्जी उसके डालों में और नए बड्स निकलने में सहायक हो, इसलिए जो है पत्तों को मैं कुछ छटाई करूँगा और इसमें जो पत्थर पड़े हुए हैं इसे भी मैं हटाऊँगा और इसकी कोड़ाई, मिट्टी की कोड़ाई करूँगा, ताकि जो है ये फिर से नए नए बर्ड्स और अच्छे ग्रोथ कर सके। आप देख सकते हैं अभी भी हरियाली बना हुआ है, लेकिन ये ठंड आते आते जो है ये सारे पत्ते जो है देख सकते हैं सारे पत्ते ये झड़ जाएंगे, तो इसकी पहले से ही जो है हम लोग इसकी छटाई कर दें ताकि जो है जो भी एनर्जी हो वो नए पौधों में, नए बर्ड्स में। देख सकते हैं यहाँ बर्ड्स निकल रहे हैं, सो नए बर्ड्स के आगमन के लिए हम लोग जो है ये कटाई छटाई करते हैं और सही दिशा में इसकी ग्रोथ हो सके। हालांकि ये मैं फॉरेस्ट बना रहा हूँ, ये छोटा सा फॉरेस्ट है जो तो रूफ पे जो भी पौधे हमने लगाए हैं इसमें ये सब फॉरेस्ट की सोच से मैं लगाया हूँ। ये बड़ा पेड़ है, फिर ये छोटे छोटे झाड़ियाँ और फिर ये, और इसमें काफ़ी कुछ कंसेप्ट बाकी भी है क्योंकि यहाँ अभी पॉन्ड बनाना बाकी है हमें, तो इसलिए काफ़ी कुछ अभी बाकी है और ये काफ़ी रोचक होगा आप लोगों के लिए जब ये पूरा बन के तैयार होगा, तो काफ़ी रोचक लगेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं फॉरेस्ट तैयार कर रहा हूँ ताकि पॉन्ड बनाने के बाद में फिर उस पर मैं ज़्यादा केयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पानी लगने की वजह से उसमें इंटर करना मुश्किल है। देख सकते हैं ये मेरी गोल्ड लगाया नहीं था, ये खुद से जम गया था। बीज शादी का भी गेंदे का फूल था जो मैं छींटा था, तो अपने आप ये जम गया था और नहीं चाहता था कि ये पौधा रहे, लेकिन फिर भी ये निकला। तो मैं इसकी कटाई छटाई करते करते और ये देखिए आज हमारे अंदाज से पहला फूल है हमारे यहाँ, शायद अभी गेंदे का फूल अभी खिला भी नहीं होगा किसी के यहाँ, क्योंकि अभी तैयार होना शुरू हुआ होगा पौधा। कोई भी नर्सरी वाले अभी स्टार्ट करते हैं तैयार करना, लेकिन हमारे यहाँ पहले ही जो है ये पौधा ग्रो कर रहा था 6 महीने पहले से। तो चलिए आज मैं सफाई करता हूँ और इसकी कैसे केयर करते हैं आगे के ग्रोथ के लिए, सो मैं आपको ये दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे पत्थरों को जो है इस तरह से निकाल दें, हालांकि आप तो पत्थर नहीं डाले होंगे, ये मेरा कंसेप्ट था डालने का, इसलिए जो है हालांकि पत्थर डालने के बाद जो है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इसे फिर से सफाई करने में, काफी टाइम लगेगा। चलिए मैं आपको छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा।
ये आप देख सकते हैं, काफी पत्थरों को मैं हटा चुका हूँ और काफी हद तक आपको एक जंगल सा बन गया है, जो कि मैं फॉरेस्ट का रूप देना चाहता हूँ। और इसमें कुछ पेड़ भी आपको फॉरेस्ट की तरह नजर आएंगे, देख सकते हैं, देख सकते हैं। कैसा लगा ये? मैं आपको बोला था कि पत्थर जो है डालता हूँ इसलिए क्योंकि कई सारे फायदे होते हैं। ये नमी बरकरार रखता है और मिट्टी को दबाव भी प्रदान करता है, तो ये मिट्टी को दबाकर और नमी बनाए रखता है। आप देख सकते हैं, ये रात में मैं पानी पटाया था, जो अभी आप देख सकते हैं मिट्टी में कितनी नमी है। ये सब पत्थरों के चलते हो पाया है। तो अगर आप भी ऐसा अगर बनाते हैं, अगर पॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो आप इसे पत्थर से सजा सकते हैं। थोड़ा मेहनत तो लगता है लेकिन आपको सुकून भी मिलता है जब आप यहाँ बैठते हैं सामने, या जाड़े के टाइम, जैसे अभी पूरा टाइम मिला है मुझे काम करने का, क्योंकि अब दीपावली से मैं फ्री हो चुका हूँ। आज तो दीपावली ही है लेकिन लगभग घर का काम, लगभग घर के कामों से मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। सो आज मैं पूरा टाइम यहाँ देना चाहता हूँ। काफ़ी दिन से मुझे ये टाइम मिल नहीं पा रहा था। ये भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल पेड़ की तरह नज़र आ रहा है। इसकी जड़ें भी जो है बाहर की तरफ आ चुकी हैं। अब कुछ दिन में यहाँ मैं डेकोरेट करूँगा थोड़ा, अभी फ़िलहाल तो सिर्फ कटिंग ही करूँगा और मिट्टी की कुड़ाई करूँगा, ताकि जो है इसकी वो अच्छे से हो सके। और इसे भी मैं कट करूँगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया और अभी फूल भी कम खिलेंगे, तो इसकी वजह से पत्तों को काट दे ताकि नए जो पौधे फूलों के मौसम में खिलने वाले होते हैं उसका स्पेस बन सके। तो एक जगह पे आप कई सारे काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उस पौधे को आप उखाड़े हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। यहाँ जो मेरा कंसेप्ट था तो काफ़ी कुछ क्लियर साफ दिखने लगा है। सुंदर क्यारी और साथ में ये छोटे से पौधे, फिर एक बड़े पौधे, तो उस हिसाब से फॉरेस्ट ही समझ आएगा। हालांकि यहाँ मैं फॉरेस्ट का लुक देने वाला हूँ, जैसा कि मैं आपको बताया था, पॉन्स के हिसाब से मैं यहाँ बना रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट पे जो है छोटे पौधे होंगे और पीछे की तरफ जो है सब बड़े पेड़ होंगे। अभी फ़िलहाल ये काफ़ी घना दिख रहा है, इसकी कटाई भी मैं करूँगा ताकि इसे और भी छोटा बना सकूँ। देख सकते हैं किस तरह जड़े जो है ईंटों को पकड़ लिया, क्योंकि ईंट भी नमी बरकरार रखता है।
वीडियो तो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन जो है इसमें आपको काफ़ी कुछ मनोरम सा दृश्य देखने को मिलेगा और काफ़ी आपको सुकून सा लगेगा इस छोटे से फॉरेस्ट में। और आप भी इससे प्रेरित होकर और आप ऐसा कर सकते हैं और आप भी अपने सामने इसे अनुभव कर सकते हैं जैसा मैं करता हूँ। मेहनत तो हर काम में है, यही है कि कुछ लोग जो है आसान ढूंढते हैं, लेकिन आप इससे टेंशन में ना रहें क्योंकि टाइम लगेगा, लेकिन एक साल के लिए बिल्कुल फ्री हो जाइएगा और एक साल तक जो है आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। फॉरेस्ट बनने के बाद आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगेगा क्योंकि उस समय काफ़ी हद तक पेड़ जो है मैच्योर हो चुका होगा, तो उस समय ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। जैसे जैसे पत्थर में हटा रहा हूँ आप देख सकते हैं किसी भी पौधे का जो है जड़ काफ़ी हद तक ऊपर की ओर दिख रहा है। इससे ये एहसास होगा आपको कि ये आगे चल के, अभी नहीं, अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी एक साल दो साल का ये पेड़ हो चुका है। तो जैसे जैसे 5 साल 6 साल होंगे वैसे वैसे इसकी जो है और भी जो है तना मोटा होगा, डाल भी मोटे होंगे, मैच्योर होंगे। छोटा तो इतना ही रहेगा, इतना ही छोटा रहेगा, लेकिन जो है इस नीचे से जो है ये मैच्योर होता रहेगा। देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है मेरे दिए हुए रूप को ये फॉलो कर रहा है और उम्मीद करता हूँ आगे भी करेगा। एक बार आप इसे सेप दे दें तो बाद में आपको ज़रूरत नहीं है इसे ज़्यादा सेप देने की, बस आपको उस पर जो जो आपको बस यहाँ जो है ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि कटिंग करनी होती है ताकि दूसरे जो है डाल आ सके। बाकी जो है लुक तो यही रहेगा, तना जो है सेम रहेगा, बस थोड़े बहुत आपको कटिंग की आवश्यकता पड़ेगी। देख सकते हैं काफी मोटा जड़ इसका हो चुका है, पेड़ की तरह ये रूप ले चुका है। हालांकि इसकी भी कटिंग करना आपको दिखाऊंगा और सब जो है इसी टाइम करना है मुझे, हो सकता है ये 2-3 दिन लग जाए, लेकिन आपको एक ही वीडियो में मैं दिखाना चाहूँगा। इसके भी पत्तों की सिर्फ कटिंग होगी और कुछ जो है फिजूल जो डाल होंगे
उसे जो है मैं काट कर हटाऊंगा, तो इसकी भी मैं वीडियो बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए तो अभी पत्थरों से ही इतना टाइम लग रहा है पत्थरों में। हालांकि खूबसूरत तो दिखते हैं, लेकिन बस एक साल में एक दिन का मेहनत है, दो तीन दिन का, उसके बाद फिर जो है साल दो साल में फ्री रहता हूँ। अभी तो इसलिए कुराई कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है अभी आने वाले जो फूलों का मौसम है उसमें फूल जो है जो भी लगते हैं वो इसमें मैं लगाऊंगा ताकि इसका यूटिलाइज कर सकूं। अभी तो फिलहाल कोई फूल है नहीं इसमें, और फॉरेस्ट के हिसाब से इसमें पुराने पेड़ भी ज़्यादा हेवी लुक में नहीं नज़र आ रहे हैं। सो कहते हैं यहाँ जैसे ही मैं ईंटों को हटाया तो इसकी जड़ें देखिए, आप जड़ को ऐसे ही वार सकते हैं, किसी भी गमले से जो है किसी भी पौधा को लाइए और रखिए इस पर, और जो है इस तरह ईंटों से उसे दबा दे ताकि हवा से भी वो गिर ना सके, और इसे जो है प्रॉपर वे में नमी भी मिलती रहे और ये ग्रोथ करती रहे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हालांकि बोनजाई में वर्क तो सभी चीज़ पे होता है, रूट पे भी होता है और स्किन पे भी होता है और ब्रांचेस पे भी होते हैं, तो वर्क तो सभी टाइम करना होता है। लेकिन यही है कि एक मौसम में आप ब्रांच पे करें, दूसरे मौसम में स्ट्रिंग पे करें तना पे, और इसके बाद जो है जड़ पे करें। तो एक एक साल में एक एक पे वर्क करें। ब्रांच पे हमें ज़्यादा करना होता है क्योंकि ब्रांच नए नए आते रहते हैं, जो आपको फिजूल लगे उसे काट कर हटा दें, और जैसा मतलब आप सेब चाहते हैं वैसा आप से जो है निकाल दें या फिर रखें और कटाई छटाई करते रहें। वो आपको मैं बताऊंगा क्योंकि मैं भी अभी कटाई छटाई करनी है, और मैं जो फूलों के मौसम का आगमन हो रहा है तो इसकी भी तैयारी मैं कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सम्मी का पौधा जो लगाने का आपको तरीका बताया था और जिस पौधे से बताया था, तो ये वही पौधा है। और आप देख सकते हैं ये अभी भी हरा है और लग भी चुका है ये। सो आप भी ऐसे लगा सकते हैं, ये नहीं कि हाँ जो है स्टरलाइज आपको ब्लेड चाहिए या फिर तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप हाथ से भी तोड़ के नॉर्मल आप मिट्टी में डाल सकते हैं। लेकिन पौधे तो इतने सारे हो गए हैं कि मेरे लिए मुश्किल है इसे संभालना, लेकिन कोशिश करूंगा कि इसे भी मैं एक जंगल का रूप दूं और पुराने पेड़ की तरह इसे भी छोटे बंजाई में ही तब्दील करूंगा। सो क्योंकि यहाँ कोई नर्सरी तो है नहीं कि मैं इसे बेचूंगा, हाँ बट अगर किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। सो अगर आप लोग भी अगर चाहते हैं कि समी का पौधा आपके घर हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, और नॉर्मली आप
कमेंट में भी आप बता सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप आकर ले सकते हैं हमारे यहाँ, अगर आप मेरे घर के आसपास हैं तो काफ़ी सारे हैं, तो आपको मैसेज में दूँगा। अब तो इसकी मिट्टी इतनी सख्त हो गई है कि अभी ये सेट कर चुकी है। अब इस पे जो है कोई भी पौधा मैं लगाऊंगा वो लग जाएगा। फर्स्ट टाइम जब मिट्टी डाला था तो उस समय भुरभुरी होती है, जिस वजह से जो है पता नहीं क्यों पौधे जो है लग नहीं पाते हैं। तो काफ़ी शुरू में काफ़ी दिक्कत हुआ पौधे को लगाने में, खासकर तो ये पौधा तो निकल ही नहीं रहता। ये देखिए, ये पुराना पौधा है उस टाइम का जो फर्स्ट टाइम मैं लगाया था, तो उस टाइम जो है ऐसा हो जा रहा था, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा था, जबकि मैं खाद भी डाला था उसमें। सो इसके बाद जो है मैं पत्थर ये डाला तो काफ़ी जो है मुझे फायदा मिला इससे। मिट्टी दबी नीचे और लगभग हो गए दो तीन साल हो गए हैं, तीन साल हो चुके हैं, तो मिट्टी अब काफ़ी नीचे दब गई है, नीचे जो है एक जड़ के ग्रोथ का माहौल मिल चुका है, तभी जो है इतना घना और हरा भरा जो है आपको ये नज़र आ रहा है। तो शुरू में एक साल पे आपको थोड़ा दिक्कत होगा, और ये सब जो है मैं लकड़ी से ही बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। आप भी आपके यहाँ भी अगर पुराने लकड़ी हों या फिर छत की सेंटरिंग होती है उस समय अगर लकड़ी आती है, या फिर किसी हद तक आपके पास अगर लकड़ी हो तो आप उससे जो है छोटा भी बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है बड़ा बनाना, लेकिन मेरा बस कंसेप्ट था कि काफ़ी बड़ा हो, ताकि इसमें पॉन्स होगा तो फिर मछली को भी स्पेस मिलना चाहिए, तो इस वजह से मैं ये काफ़ी बड़ा बनाया हूँ। और बड़ा क्या, ये एक बेस दिया हूँ, तो बेस बन देने की वजह से जो है मैं यहाँ जो है ऐसे जब रखा तो बाद में कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना इस पे जो है फॉरेस्ट भी बनाया जाए, तो धीरे धीरे ख्याल आया, उसके बाद जो है मैं जो ख्वाब था मेरा उसे मैं हकीकत में आज बदल दिया हूँ। बस थोड़े पॉइंट्स बनाने बाकी हैं, पॉइंट्स भी मैं चूँकि लेट इतना इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं नॉर्मल नहीं बनाना चाहता, मैं ऐसा चाहता हूँ कि बिल्कुल नेचुरल से लगे, तो नेचुरल दिखने के लिए तो टाइम तो लगता है ना। तो अभी तो मानते हैं इसमें तीन साल दो साल लग गए इसमें, उसके बाद जो है आप पॉन्ड्स में लगाएंगे तो पूरा होगा हमारा जो है सोचा हुआ पूरा हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये पत्थरों को कितना लाइक करता है, यहाँ जो है जड़े जो है काफ़ी आ गया है, पत्थर जो है काफ़ी हद तक फायदेमंद भी है, लेकिन गर्मियों में जो है थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी गर्मी में अगर आप दो टाइम पानी पटाते हैं तो पत्थर जो है काफ़ी नमी को जो है रोके रखती है। ये देख सकते हैं ये नीम का पेड़, अपने नए पेड़ के रूप में आ चुका है।
इसमें भी फिजूल जो है काफ़ी डाल हो चुका है, तो इसे भी काटना ज़रूरी है। तो कुछ दिन के लिए ग्रो पे छोड़ दें, उसके बाद जो है डाल की कटनी करते रहें, ब्रांचेस की कटनी करते रहें, ताकि आप जैसा पेड़ बनाना चाहते हैं वैसा हमेशा तैयार रहें। काफ़ी टाइम लगा पत्थर को हटाने में और लास्टली हम हो चुका है, अब थोड़े बहुत रह गए हैं। देख सकते हैं अब पूरे पौधे जो है पत्थरों से खाली हो चुके हैं, और नीचे का आप एनवायरनमेंट देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, एक फॉरेस्ट की तरह। स्लो मोशन में दिखाना चाहता हूँ ताकि इसका पूरा अपन ले सके। देख सकते हैं कितना खूबसूरत मनोरम सा दृश्य नजर आ रहा है। एक एक पौधे को आपको मैं स्लो और बिल्कुल करीब से दिखा रहा हूँ कैसा माहौल हो सकते हैं इन फ्यूचर, आपके लिए सरप्राइज़ होगा। यहाँ पे जो है छोटे छोटे बर्ड्स भी होंगे, ताकि जो है अभी भी आते हैं, कुछ कुछ आते हैं सुबह के टाइम में, कुछ टाइम जो है गिलहरी भी आती है, बैठती भी है यहाँ गर्मियों में, उसका भी मैं कभी वीडियो बना कर आपको दिखाऊँगा। अभी तो चुकी भाग जाती है वो मुझे देखकर, तो जब वो हैबिटेट हो जाएगी, उससे डरना बंद कर देगी, तो वो हमारे सामने नज़र आएगा और आपको मैं वीडियो भी बना कर दिखाऊंगा। हालांकि उसके लिए दाना डेली मैं डालता रहता हूँ, ताकि जो है उसे यहाँ आने में जो है दिक्कत ना हो। ये देख सकते हैं गेंदे का फूल, इच्छाओं सा महसूस हो रहा होगा आपको यहाँ। देख सकते हैं काफी पत्थरों को मैं हटा चुका हूँ, काफी टाइम लग चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि अब वीडियो को यहीं तक ख़त्म किया जाए। आगे जो है आगे की वीडियो जो है मैं आपको नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे, क्योंकि बहुत आदमी ऐसे भी होंगे जिसे पेड़ पौधों से रुचि ना हो, तो वो आदमी उग सकता है, तो ना उगे इसलिए
छोटा छोटा वीडियो ही बनाकर आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए तो पहला वीडियो काफ़ी बड़ा था, क्योंकि काफ़ी बातें भी हुई और काफ़ी कुछ आपको जानकारी भी मिला होगा, क्योंकि इसमें एक पौधा नहीं ढेर सारे पौधे हैं, तो हर पौधे पे जो है कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो इस वजह से इस वीडियो में काफ़ी बातें हुई और शायद आपको एंजॉय भी फील हुआ होगा। तो इसी के साथ मैं जो है चाहता हूँ वीडियो जो है लास्ट करूँ, और भी काम है नीचे, तो थोड़े नीचे का भी जो है केयर कर लूँ। नीचे भी कैंपस है, वहाँ भी जो है थोड़े बहुत जंगल हो चुके हैं, तो उसकी भी खुदाई करनी है। तो मानो दीपावली की पूरी जो है तैयारी की जा रही है, और इसका तो स्पेशली इसका केयर तो हर साल रहेगा, दीपावली हो, छठ हो या होली हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शेयर अगर ना भी करे तो लोगों को बताइए कि हाँ जो है नेचर क्रिएशन एट होम पे जो है काफ़ी कुछ देखने को मिला मुझे, क्योंकि इस मोतियारी में बहुत कम ऐसे हैं जो पॉन्ड और फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं, वो भी नेचुरल और छत पे। कैंपस पे तो ऐसे ही पेड़ पौधा लगेगा तो वो एक छोटा जो है फॉरेस्ट बन ही जाता है, लेकिन जो है ये छत है और छत पे जो है ये काफ़ी खूबसूरत एक मिनी फॉरेस्ट में जब ये नज़र आएगा तो दिल जो है मनोरम हो जाता है, क्योंकि जाड़े के टाइम में अक्सर नीचे धूप नहीं आता तो छत पे ही टाइम बिताना सब लोग को अच्छा लगता है, तो वो धूप का आनंद भी ले सके और नेचुरल फॉरेस्ट और पॉन्ड का भी वो मज़ा ले सकेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं जो है इसे बनाया हूँ। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड उम्मीद करता हूँ आगे भी आप बने रहें। हैप्पी दीपावली, बाय।